चैप्टर नंबर टू में इन्होंने डिस्कस किया है कि हेडिंग्स और पैराग्राफ्स से मुतालिक चीज़ें, हम हेडिंग भी लगा चुके हैं, पैराग्राफ भी लगा कर देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बुक में ना काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों को लेकर चल रहा है, क्योंकि ये बुक डिज़ाइन की गई है बिगनर्स के लिए। तो बिल्कुल, तो हम अभी जो हमने पहली एग्जांपल बनाई थी ना, आप देखें अभी तक ये वही चीज़ें इसमें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो हमने जो दो दिन लगा के एक एग्जांपल बनाई थी, तो अब आपको फील होना चाहिए कि नहीं यार, वो दैट वाज नॉट जस्ट हेलो वर्ल्ड, वो काफ़ी, मतलब दो चैप्टर हमने पढ़ लिया और उसमें देखें ये वही सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि भाई बोल्ड इटैलिक और एम्फेसाइज कैसे होगा। तो बोल्ड इटैलिक भी हम कर चुके थे ना उसमें, और इवन तो हमने जो वेबसाइट को लाइव किया है वो तो बुक में कहीं है भी नहीं, वो बुक में डिस्कस ही नहीं किया इन्होंने। ठीक है जी, तो हमने जो हेलो वर्ल्ड बनाया था वो कोई आम हेलो वर्ल्ड नहीं था, वो हमने बहुत बड़ी मतलब चीज़ कर ली थी, दैट वाज एन अचीवमेंट कि हमने तीन क्लासेस में एक छोटी सी एक सीवी वेबसाइट बना के उसको हमने लाइव भी कर दिया था। अच्छा, तो जी अब देखते हैं ये हेडिंग वगैरह के बारे में क्या करें। व्हेन क्रिएटिंग वेब पेज यू ऐड टैग्स दैट ऑल्सो नोन एज मार्कअप्स टू द कॉन्टेंट ऑफ द पेज। These tags provide extra meaning and allow browser to show user the appropriate structure of the page. अच्छा, ये कह रहा है कि जी आपके पास जो हम मार्कअप जो इस्तेमाल करते हैं ना, जितने भी वो उस मार्कअप के ज़रिए हम बनाते हैं पूरा का पूरा वेब पेज। अच्छा, उस मार्कअप से ही कंप्यूटर को ये समझ आता है कि कैसा पेज दिखाना चाहिए, है ना। हम अपनी, जैसे कि ये HTML एक लैंग्वेज है, जो इसमें HTML में जो लास्ट में L है, दैट इज स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का मतलब है कि हम कंप्यूटर को कोई बात बता रहे हैं, तो कंप्यूटर को ये ज़ुबान समझ आती है। अच्छा, अब इसमें जो मार्कअप्स है ना जितने भी, उसमें उसकी बेसिक दो क्लासिफिकेशन है, है ना, दो क्लासेज हैं, यानी दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। नंबर एक है स्ट्रक्चरल मार्कअप, जितने भी HTML के मार्कअप्स हैं, हमने जैसा कि शुरू में डिस्कस किया था कि एक लंबी लिस्ट है मार्कअप्स की, हम सबको एक्सप्लोर करेंगे तो हम सीख गए HTML। तो ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, ये एक कैटेगरी है स्ट्रक्चरल मार्कअप्स की। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चरल मार्कअप होते हैं, ये वो मार्कअप होते हैं जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं, जैसा कि बोल्ड है, इटैलिक है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सारे। अच्छा, एक और तरह के मार्कअप होते हैं जिसको हम कहते हैं सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप जो है ना, प्रोवाइड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आते मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, जैसे कि एम्फेसाइज प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। अब क्या होते हैं ये सिमेंटिक मार्कअप, हम थोड़ा सा भी आगे जाएंगे ना, तो इस चैप्टर में शुरू में कुछ इन्होंने स्ट्रक्चरल मार्कअप डिस्कस किए हैं, उसके बाद सिमेंटिक वाले डिस्कस किए हैं। तो हम आगे चलते हैं, पहले तो स्ट्रक्चरल पे नज़र डालते हैं कि क्या है। अच्छा, बाई द एंड ऑफ दिस चैप्टर इसने कुछ इस तरह की एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, ये हम सब लोग बना चुके हैं वेबसाइट इतनी, ठीक है। तो एक इसने हेडिंग लगाई है, एक सब हेडिंग लगाई है, दो पैराग्राफ लगाए, बहुत सिंपल सी एक वेबसाइट है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हेडिंग का जिक्र हो रहा है कि भाई H1 से लेके H6 तक की हेडिंग होती है, कुछ इस तरह से इसका कोड लिखा जाता है और कुछ इस तरह से इसका जो है रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आता है, दैट्स इट। ठीक है, 6 लेवल्स हैं हेडिंग के, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आमतौर पर 6 लेवल होते हैं हेडिंग के, तो वही टर्मिनोलॉजी को वहाँ से बोरो करते हुए, जो एक टाइपोग्राफर्स ने एक ये बना दिया स्टैंडर्ड कि अच्छा जी हेडिंग जो है वो 6 अलग अलग साइज़ की होगी, है ना, टाइपोग्राफर्स, क्योंकि वो ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने से पहले तो लोग लिटरली हाथ से लिखा करते थे, तो वो हाथ से जो लोग लिखा करते थे वो बड़े आर्टिस्ट कहलाते थे, वो बहुत बड़े लोग हुआ करते थे, वो कोई आम लोग नहीं होते थे, जो 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 बुक्स वगैरह लिखवाने के लिए लोग बाकायदा उनके पास जाया करते थे। इवन दो ये बहुत रीसेंट टाइम तक, यानी मिर्ज़ा गालिब के दौर तक भी, जो मिर्ज़ा गालिब अपने शेर जब वो लिख लेते थे ना आड़े टेढ़े, जो क्योंकि ज़ाहिर है बंदा खुद से एक अलग ही राइटिंग होती है, तो वो जब उसको छपवाना होता था या उसको फेयर करना होता था, उसके लिए बाकायदा एक बंदा हुआ करता था, तो वो अपने सारे शेर उनको ले जाके देते थे और कहते थे भाई इसको आप लिख दो, हाँ कातिब शायद कहते थे उसको, बिल्कुल सही आपने कहा, तो वो कातिब के पास जाके ना उसको लिखवाते थे, तो बड़ी डिमांड हुआ करती थी उस ज़माने में। तो लेकिन वो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह आने के बाद जो है वो सारे लोग ट्रांसफ़र हो गया, उनका नया नाम जो वो कंपोज़र कहते हैं कुछ लोग वो डिज़ाइनर्स उसको कहना शुरू हो गए, तो वो सारे जो एक शोभा था वो कन्वर्ट हो गया एक दूसरे नाम के अंदर। तो ये वो सारी टर्मिनोलॉजीज़ ना इन्होंने वहीं से ली हुई है कि अच्छा जी पैराग्राफ में आपस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। अच्छा, उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि जी ये दो पैराग्राफ में आपस में जो डिस्टेंस है, लाइंस में आपस में जो फासला है, इन तमाम चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो CSS में डिस्कस करेंगे ये। ठीक है जी, तो ये पैराग्राफ कुछ इस तरह से कोडिंग होगी और कुछ इस तरह से दो पैराग्राफ स्क्रीन पे नज़र आएंगे। यहाँ पे इन्होंने जस्ट ये लिखा हुआ है कुछ थोड़ा सा, ये आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अच्छा, बोल्ड इटैलिक भी हम अच्छी तरह देख चुके हैं लगा के, कि जी एक पैराग्राफ है,
इसके अंदर दरमियान में एक वर्ड को बोल्ड के क्या कहते हैं एलिमेंट में रैप किया हुआ है या बोल्ड के मार्कअप में रैप किया हुआ है। तो देखें ये वाला पार्ट ना ये बोल्ड हो के नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा पैराग्राफ जो नीचे वाला है उसमें ये की फीचर के नाम से की फीचर जो वर्ड लिखा हुआ है इन दोनों वर्ड को बोल्ड में रैप किया हुआ तो ये बोल्ड लोगे नज़र आ रहा है, दैट्स इट, ठीक है। सेम यही चीज़ इटैलिक के साथ है कि जी एक पैराग्राफ है उसके अंदर किसी एक वर्ड को या दो तीन वर्ड को इटैलिक के टैग में रैप कर दिया तो वो इटैलिक होके नज़र आना शुरू हो जाएगा स्क्रीन पर। तो ये सारे वाले मार्कअप जो हैं ये एग्जाम्पल हैं स्ट्रक्चरल मार्कअप के, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनाने के काम आते हैं, ये स्क्रीन पर नज़र आते हैं। एक दो यहाँ पर और भी मार्कअप है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, ये आप देख रहे हैं फोर के साथ जो टी एच लगा हुआ है ये थोड़ा सा ऊंचा हुआ हुआ है फोर से, इसको कहते हैं सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा इसी तरीके से ये सी और टू जो लिखा हुआ है ये टू जो है थोड़ा नीचे हुआ हुआ है इसको हम कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। और एक नॉर्मल टेक्स्ट होता है अगर ऊपर कर दें तो सुपर स्क्रिप्ट, नीचे कर दें तो सब स्क्रिप्ट। अच्छा तो इसको बनाते कैसे हैं, ये टी एच को इन्होंने क्या किया हुआ है, देखें फोर तक तो इसने नॉर्मल लिखा है पैराग्राफ, ये टी एच को ना इसने देखें सुपर का एक एलिमेंट है उसमें रैप कर दिया तो वो सुपर हो गया उतना पार्ट। अच्छा ई इज इक्वल टू एम सी है ना, यहाँ पे ये वाला लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू एम सी तक जो है वो नॉर्मली लिखा है और उसके बाद टू को जो है ना यानी कि स्क्वायर को इसने सुपर में रैप कर दिया। इसी तरह सी ओ के साथ जो टू था उसके टू को भी सब में रैप कर दिया तो वो सब स्क्रिप्ट हो गया, नीचे हो गया वो थोड़ा, ठीक है जी। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल मार्कअप था जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया। अच्छा अब यहाँ पे ये डिस्कस हो रहा है कि वाइट स्पेस को एचटीएमएल कैसे हैंडल करता है। इन ऑर्डर टू मेक कोड ईजियर टू रीड वेब पेज ऑथर ऑफन ऐड एक्स्ट्रा स्पेसेस टू स्टार्ट द एलिमेंट इन अ न्यू लाइन। कह रहे हैं कि कोड को रीडेबल बनाने के लिए आमतौर पर वेब डिवेलपर्स क्या करते हैं, एक्स्ट्रा स्पेस ऐड करते हैं। जैसे कि आप नोट करें जब हम डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आते हैं ना इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना एक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा होता है, ये मैं अक्सर इसको प्रेस करता रहता हूँ। इसका शॉर्टकट जो है ना वो है मेरे पास ऑप्शन शिफ्ट और F, ये इसका शॉर्टकट है, ठीक है। विंडोज़ में भी इसका कोई ना कोई शॉर्टकट होगा, राइट क्लिक करके भी प्रेस कर सकते हैं आप। अच्छा तो इससे क्या होता है कोड इंडेंट हो जाता है। ये भी बाय द वे VS कोड में बिल्ट इन उन्होंने फीचर दिया हुआ है, वरना VS कोड से पहले मैंने जो पहली लैंग्वेज सीखी थी वो सी लैंग्वेज थी 2010-11 के ज़माने में, तो उस टाइम पे ये ऑटो नहीं होता था। उस टाइम पे हमें क्या करना होता था, कोड हमारा पूरा लिटरली ऐसे होता था, सही है, कोड लिटरली पूरा ऐसे होता था। अगर मैं पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करूँ ना और पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके मैं ये कोड ऐसा होता था। अच्छा ये जो कोड है ना ये कोड एक्सेप्टेबल नहीं होता भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी क्लाइंट के लिए ये कोड एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा इसको जो टॉप वाला है ये वाला और इसके जो चाइल्ड है इसमें क्या करते हैं, हम इंडेंट करते हैं, इतने को सेलेक्ट करके टैब का बटन दबाते हैं तो देखो ये इंडेंट हो जाता है, पता चलता है कि अच्छा ये पेरेंट है उसका और ये उसके अंदर मौजूद चाइल्ड है ना। वीएस कोड में ये चीज़ बिल्टन है तो राइट क्लिक करके मैं जब फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ ना तो ये उसको पहले जैसा कर देता है, मतलब सही कर देता है, एक जो डिफ़ॉल्ट किस्म की एक फॉर्मेटिंग है वो कर देता है। बट यहाँ जो ये वाइट स्पेसेस ऐड हो गए HTML इसके साथ क्या करेगा, HTML इसको कैसे डील करेगा, कैसे हैंडल करेगा, यहाँ पे वो बात डिस्कस हो रही है। या अगर मैंने पैराग्राफ के दरमियान में कोई ऐसे वाइट स्पेस दे दिया, ठीक है, पैराग्राफ के लाइन चेंज कर दी मैंने, ऐसे दो तीन लाइनें एंटर मार दी बीच में, तो इसको HTML कैसे हैंडल करेगा वो यहाँ पे बात हो रही है कि जी ये खूबसूरत बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड करते हैं। तो व्हेन ब्राउजर कम्स अक्रॉस टू और मोर स्पेसेस नेक्स्ट टू ईच अदर इट ओनली डिस्प्ले वन स्पेस। पैराग्राफ के अंदर आप एक स्पेस देंगे ना तो वो तो सही है, उसको तो वो कंसिडर करेगा, लेकिन एक से ज़्यादा स्पेस अगर आपने दिया यानी कि दो स्पेस तो वो दिखाएगा एक को ही, कंसिडर वो एक को ही करेगा। या आपने लाइन से 10 स्पेस दे दिए टक 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 10 स्पेस तो वो एक स्पेस को ही कंसिडर करेगा, बाकियों को वो हटा देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें इधर पैराग्राफ इसने इस तरह से लिखा है, एक बगैर स्पेस के लिखा है, एक में कुछ स्पेस दिया है यहाँ पे और एक में बाकायदा पूरी पूरी लाइन चेंज की है, लेकिन उसका रिजल्ट तीनों का बिल्कुल सेम आ रहा है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। तो वाइट स्पेस को क्या करता है ये, इग्नोर कर देता है HTML, ठीक है। अच्छा इसके लिए एक बाकायदा टर्म इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं वाइट स्पेस कोलैप्सिंग, ठीक है। तो ये 10 12 15 जितने भी स्पेस होंगे वो कोलैप्स होकर वो एक स्पेस में कन्वर्ट हो जाता है।
अच्छा यहाँ पे इसने लिखा है कि यू ऑफन सी वेब पेज ऑथर टू टेक एडवांटेज ऑफ वाइट स्पेस कोलैप्सिंग टू इंडेंट देयर कोड. वो जो हमने ये वाला किया ना फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन कि अच्छा जी पेरेंट जो है वो टॉप पे उसका चाइल्ड थोड़ा सा आगे, इसको हम कहते हैं इंडेंटेशन. इसका जो प्रॉपर नाम है वो इंडेंट है. इन्होंने तो फॉर्मेट लिखा है यहाँ पे लेकिन इसका प्रॉपर नाम इंडेंट है. तो मिसाल के तौर पे जब हम उस ज़माने में कोड लिखते थे सी लैंग्वेज में तो वो हमारे टीचर हमसे कहते थे यार आपने इंडेंट नहीं किया हुआ इसको. ठीक है, उस ज़माने में इंडेंटेशन क्योंकि हाथ से करनी पड़ती थी तो एक बहुत मुश्किल काम होता था इंडेंटेशन करना. और जिसका कोड इंडेंट हुआ हुआ होता था और अच्छे से रीड, क्योंकि अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है कि चिम्प्स कैन ऑल्सो राइट कोड, कि वो चिंपैंजी भी लिख सकता है कोड. हमारे डीएनए में और चिंपैंजी के डीएनए में सिर्फ एक बिट का फ़र्क है, सिर्फ 1% का डिफरेंस है, बाकी सेम है हमारा. तो वो अंग्रेज़ी एक दूसरे को तंज मारते थे, ये उस ज़माने का मुहावरा है कि चिंपैंजी कैन ऑल्सो राइट कोड, मगर चिंपैंजी के कोड में और ह्यूमन के कोड में डिफरेंस ये होगा, ये मुहावरे को एक्सप्लेन, कि वो रीडेबल होगा. ह्यूमन का लिखा हुआ कोड जब एक दूसरा ह्यूमन पढ़ेगा तो उसके लिए रीडेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा. जो चिंपैंजी का लिखा हुआ कोड है ना वो कोई नहीं समझ सकता. तो जिसका वो गंदा कोड लिखने वाले जो लोग थे ना उसको तंज मारते थे उनके बॉस या साथ में कोलीग्स. तो ये एक मुहावरा हुआ करता था चिंपैंजी वाला. अच्छा जी, अब हमारे पास एक और स्ट्रक्चरल मार्कअप है जिसको हम कहते हैं BR. BR से क्या होता है कि लाइन, क्योंकि देखें अब जी लाइन चेंज करने से वो लाइन को चेंज को तो कंसिडर कर नहीं रहा. अब अगर बाकायदा हमें पैराग्राफ के अंदर एक लाइन छोड़नी है तो उसके लिए एक बाकायदा यहाँ पे एक टैग मुतारफ कराया गया, एक मार्कअप, एक एलिमेंट मुतारफ कराया गया जिसको हम कहते हैं BR. BR स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक. अच्छा, अब ये BR में आप देखें ये एक ख़ास किस्म का जो है ना मार्कअप है जिसको हम कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग मार्कअप. आम तौर पे क्या होता है, मार्कअप का एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन कुछ मार्कअप ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का तसव्वुर नहीं है कि अच्छा जी दी अर्थ लिखा हुआ है, दी अर्थ के बाद हमने लाइन चेंज करनी है. तो इसमें सेल्फ क्लोजिंग ही होना चाहिए था उसको बाई डिफ़ॉल्ट ना, असूलन इसको सेल्फ क्लोजिंग ही होना चाहिए. अगर इसका ओपनिंग और क्लोजिंग होगा तो ओपनिंग कहाँ लगाएंगे और क्लोजिंग कहाँ लगाएंगे, है ना. तो ये बिल्कुल इसी तरह बेस्ट है जैसा इन्होंने बनाया है. अच्छा, सिर्फ ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, सेल्फ क्लोजिंग और भी कुछ दूसरे टैग्स हैं जो कि सेल्फ क्लोजिंग होते हैं. अभी वो आप आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता पता चलता जाएगा. अच्छा जी, तो BR से क्या होता है, देखें दी अर्थ के बाद इसने ये BR लगाया ना तो यहाँ से ये लाइन चेंज हो गई, लाइन ब्रेक हो गया. ठीक है, BR के बारे में यहाँ लिखा है. एक HR है. HR क्या होता है, HR स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल रूल. HR भी लाइन चेंज करता है लेकिन जब HR के ज़रिए लाइन चेंज किया जाता है ना तो एक लाइन यहाँ पे बाकायदा बनी हुई भी नज़र आती है. ठीक है, एक रूलर, हॉरिजॉन्टल रूल. रूल किस चीज़ को कहते हैं कि किसी भी स्टिक को रूल कह सकते हैं अपना, जैसे हम रूलर इस्तेमाल करते हैं जो एक स्टिक होती है जिस पर कुछ नंबर्स होते हैं, बट नंबर्स डजंट मैटर, एनी स्टिक कैन बी कॉल्ड रूल या रूलर. तो ये हॉरिजॉन्टल रूल का मतलब है कि एक ऐसे हॉरिजॉन्टली ना एक छड़ी ऐसे आपको नज़र आ जाएगी, तो ये बना हुआ नज़र आ जाता है. तो BR और HR में जस्ट ये डिफरेंस है कि एक नज़र आता है दूसरा नज़र नहीं आता एज अ लाइन. अच्छा जी, अब यहाँ पे बात हो रही है कुछ विजुअल एडिटर्स भी होते हैं. विजुअल एडिटर जो होते हैं ना वो जैसे VS कोड है ना, ये टेक्स्ट एडिटर है, ये विजुअल एडिटर नहीं है. एक विजुअल एडिटर हुआ करता था उसको हम कहते थे ड्रीम वीवर, किसी ने अगर नाम सुनो तो वो उसमें भी ना सेम HTML की कोडिंग उसमें लिख सकते थे, बट उसमें क्या था, एक तो CMS है ना, CMS तो होता था पोर्टल कि वहाँ ड्रैग ड्रॉप करके आप करो. उसमें क्या होता था कि VS कोड के जैसे सॉफ्टवेयर में ड्रैग ड्रॉप का ऑप्शन होता था, बट उसको भी वो अल्टीमेटली लोगों ने पसंद नहीं किया, ख़त्म उसको कर दिया गया क्योंकि प्रॉब्लम उसमें भी वही थी कि जब हम ड्रैग ड्रॉप करते थे ना पीछे वो कोड जनरेट करता था. और वो एडोब वालों की प्रोडक्ट थी, जो जिनका फोटोशॉप है ना इनकी प्रोडक्ट थी ड्रीम वीवर. अभी भी शायद आता हो लेकिन मे बी वो डिसकंटिन्यू हो गया क्योंकि नाम अब कहीं सुनने को नहीं मिलता उसका. अच्छा अच्छा, मैक्रोमीडिया वालों का था, एडोब ने फिर परचेस किया था. अच्छा, तो वो उसको भी ना लोग पसंद उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो ड्रैग ड्रॉप का जो चक्कर है ना वो कोड पीछे जनरेट होता था, वो रबिश कोड बन जाता था पीछे ना, वो रीडेबल होता था ना वो मॉडिफाई हो सकता था, वो फिर उसी पे ही चलता था ड्रीम वीवर पे ही. तो अच्छा, कोड हमें मिलता था प्रॉपर, आगे कोड के साथ जो प्रोसेस है वो पूरा वही होता था, लेकिन ये विजुअल एडिटर हुआ करते थे. अच्छा, तो विजुअल एडिटर में देखें यहाँ पे ना दो स्क्रीन दिखा रहा है, ये कह रहा है विजुअल एडिटर में आमतौर पर दो स्क्रीन होती है, एक तरफ जो है वो विजुअल एडिटर होता है, दूसरी तरफ कोड दिखा रहा होता है वो. कि आप विजुअल एडिटर में किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, बोल्ड का बटन दबाते हैं तो इस तरफ जो है वो टेक्स्ट का कोड उसमें बोल्ड का टैग बना हुआ आ जाता है.
तो इस तरह से भी कुछ एडिटर मौजूद हैं मार्केट में, अभी भी होंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं पर्सनली ये वाला एडिटर यूज़ नहीं करता और प्रोफेशनल डेवलपर इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि पूरा हमारा कंट्रोल हो कोडिंग के ऊपर। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आ गई है सिमेंटिक मार्कअप। सिमेंटिक मार्कअप जो है उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने ये मजमून लिखा है पूरा। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया था लास्ट क्लास में कि बुक थोड़ी सी आप लोग पढ़कर आइएगा अगर पॉसिबल हो तो अगर आप में से कोई भी बुक पढ़कर आए तो वो इस बारे में ज़रा बताए सब लोगों को, हमारे दोस्तों को, कि क्या समझते हैं आपके व्हाट इज़ सिमेंटिक मार्कअप, सिमेंटिक मार्कअप से आपको क्या बात समझ आई, कोई बताना चाहेगा इस बारे में, अपना ओपिनियन देना चाहेगा। अच्छा मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसको ज़रा पढ़ें सब लोग, ताकि ना क्लास को, क्योंकि 2 वे बनाना है ना कुछ करके, 1 वे क्योंकि मैं बोलता रहूँगा वो मसला हल नहीं है फिर। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आपको, इसको ना ज़रा सा पढ़ के ना और आप बताएं कि आपको क्या समझ आ रहा है। जी दोस्त, सही है, दोस्त ने बताया कि कुछ ऐसे भी मार्कअप्स होंगे जो, या टेक्स्ट होगा जो शुरू में नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन वो क्लिक करने के बाद नज़र आएगा। और कोई आप में से ये डेफिनेशन पढ़ के क्या आपने समझा है ज़रा बताना। अच्छा ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये टेक्स्ट पढ़ के आपने सही समझ लिया हो, तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी आपने समझा है वो आप शेयर करें। तो फिर वो तो क्योंकि आता होता तो फिर हम आते क्यों यहाँ पे, जमा क्यों होते, ठीक है। तो सब लोग हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, ये क्लास को 2 वे बनाने का मकसद ये है कि इंट्रैक्शन हो हमारा ना, है ना, ताकि फीडबैक मुझे मिले, फिर आपको भी मज़ा आए, क्योंकि फिर बैठे बैठे बंदा बोर होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। ये टैग अप्लाई करने से ना कोई उसमें विजिबल चेंजेस नहीं नजर आ रही होंगी, जैसे कि इमेज के साथ एलिमेंट वो सब कर रहे होते हैं अल्टरनेट, तो अल्टरनेट को आप बेशक कुछ भी उसमें लिख सकते हैं, वो अपनी आप की हेल्प या उसके उस चीज के लिए होगा। वो मुझे तो यही लग रहा है कि इसमें सेमेंटिक वो चीज उसमें। जी जी बिल्कुल, आपने अच्छा ओपिनियन दिया। और कोई आप में से कहना चाहे कुछ इस बारे में? अच्छा सही गलत की बात नहीं है कोई, क्योंकि ये जस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि आप 2 वे हो जाए ना क्लास थोड़ी, ताकि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़े, जस्ट ये वाली बात है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इसमें ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि किसी खास लफ्ज़ पे हम कोई ताकीद शो करना चाह रहे हैं कि इस पर कोई हमारा खास एरिया, तो उसमें इस तरह का एलिमेंट इस्तेमाल होता है। बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा जी दोस्त, सर इसमें जैसे ये गैप है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात की आपने। अच्छा तो लेकिन सही बात बता देता हूँ मैं कि क्या है, इन्होंने यहाँ पे जैसे लिखा है ना एडिंग में, देयर आर सम टेक्स्ट एलिमेंट दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अफेक्ट द स्ट्रक्चर ऑफ योर वेब पेज। कुछ ऐसे होगा तो वो टेक्स्ट ही, लेकिन वो ना स्ट्रक्चर पे आपको नज़र ही नहीं आएगा। अच्छा बट दे डू एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टू द पेज। आप देखें थोड़ी देर पहले हमने एट्रीब्यूट का जो जिक्र किया था, वो असल में क्या था, वो सेमेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि अच्छा जी ये लैंग्वेज कौन सी वाली है। अब वो इस बंदे को वो पैराग्राफ पढ़ते हुए वो एट्रीब्यूट इटसेल्फ नज़र नहीं आएगा, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं। अच्छा जिस तरह दोस्त ने फोटो की बात की कि जब हम इमेज लगाते हैं, अभी तो हम इमेज तक नहीं पहुंचे लेकिन आप सब लोगों ने माशाल्लाह इमेज का इस्तेमाल कर लिया, तो उस इमेज के साथ एक अल्टरनेट टेक्स्ट लगाते हैं। अच्छा उस अल्टरनेट टेक्स्ट का चक्कर क्या होता है कि फोटो जब डिस्प्ले होती है तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट नज़र नहीं आता आपको। अच्छा तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट हम क्यों लगाते हैं, अगर कभी इंटरनेट बंद होने की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से वो फोटो लोड ना हो पाए, या उस फोटो का फॉर्मेट कुछ ऐसा है जो कंप्यूटर में सपोर्टेड नहीं है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जिसके वो फोटो लोड ना हो पाए, तो उसकी जगह पे वो अल्टरनेट टेक्स्ट लोड हो जाता है और वो स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है
कि यूज़र को पता चल जाता है, अच्छा यहाँ पे ये फ़ोटो थी, इसमें क्या बात लिखी हुई थी, क्या दिखाया हुआ था, कि यार ग्रुप ऑफ पीपल खड़े हुए हैं उनकी सेल्फी है, या कोई सेमिनार हो रहा था उसकी दूर से फ़ोटो खींची हुई है, या कोई पहाड़ थे उसमें दो बत्तख बैठी हुई थी पानी में, इस तरह की जो भी बात है उसमें अल्टरनेट टेक्स्ट में वो लिख देते हैं कि अच्छा जी इस इमेज में ये दिखाया हुआ है हमने, कि अच्छा जी एक बस जा रही है और वो क्या कहते हैं वो पब्लिक बस है वो, या सड़क है, सड़क पे ट्रैफिक चल रही है, ये फोटो है, तो जो भी उसका उसकी डिस्क्रिप्शन होती है जो कि भाई लिख, अच्छा फिर अल्टरनेट टेक्स्ट का एक दूसरा बेनिफिट ये भी होता है कि अगर कोई बंदा विजुअली इम्पेयर्ड होता है वो जब आता है उस वेबसाइट पे, तो वो आमतौर पे उस वेबसाइट को हमारी तरह यूज़ नहीं करता कि भाई उसको स्क्रॉल कर रहा है, उनके सॉफ्टवेयर होते हैं डेडिकेटेड जो कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं, और पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल जो है वो दो तीन बटनों के ऊपर आ जाता है, और वो हर चीज़ बोल बोल के बता रहा होता है। जब वो किसी वेबसाइट को विज़िट करते हैं तो कंप्यूटर सामने से उस वेबसाइट को पढ़ के बता रहा होता है, तो जब उसको वो पढ़ेगा उस पूरे पेज को, तो उस इमेज को क्या बोल के बताएगा, ठीक है, तो उस पॉइंट पर जब वो पहुँचेगा ना इमेज वाले पे, तो वो अल्टरनेट टेक्स्ट को पढ़ के बताता है कि अच्छा जी यहाँ पे एक इमेज बनी हुई है जिसमें दो लोग बेंच पे बैठे हुए हैं पार्क में, और फिर उसके नीचे आगे पढ़ना शुरू करता है। तो अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे तो नज़र नहीं आता, स्ट्रक्चर में तो शामिल नहीं होता, लेकिन स्टिल उसकी इंपॉर्टेंस मौजूद है। अच्छा, तो इस तरह के कुछ सिमेंटिक मार्कअप्स को अब यहाँ पे आगे डिस्कस किया जा रहा है, जो कि HTML की ये मेन क्लासिफिकेशन है कि कुछ स्ट्रक्चरल है कुछ सिमेंटिक है, और सिमेंटिक एलिमेंट्स की भी तादाद अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि सिमेंटिक दो चार ही हैं, सिमेंटिक एलिमेंट्स की तादाद अच्छी खासी है। अच्छा जी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंड एम्फेसाइज, अब ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, आप देखें यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग का इसने टैग लगाया है, इसका जो रिजल्ट है वो बोल्ड की तरह दिख रहा है, तो बोल्ड में और स्ट्रॉन्ग में क्या डिफरेंस हो गया? पर तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि द यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंडिकेट्स दैट इट कॉन्टेंट हैज स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस। जैसे हम कोई बात लिखनी होती है हमें, तो हम कहते हैं ना वार्निंग लिखते हैं और फिर नीचे वो बात शुरू करते हैं, तो वो वार्निंग में स्ट्रांगली उसको बोलना है उसको कि अच्छा जी, हाँ खबरदार जैसे लिखते हैं और बाद में वो बात लिख रहे होते हैं, या हम लिखते हैं अटेंशन और उसके बाद नीचे वो बात लिख रहे हैं, या कॉशन लिखते हैं फिर बात लिखते हैं नीचे, तो वो उस तरह की चीज़ है कि अच्छा जी इसको ये इसकी बहुत स्ट्रांग इंपॉर्टेंस है, सब लोग मुतवज्जो हो जाए फौरन। अच्छा, इसी तरीके से एम्फेसाइज करके यहाँ पे चीज़ लिखी हुई है, EM का ये टैग है, जहाँ पे ये EM का टैग लगा हुआ है वहाँ पे आप देखें उसको इटैलिक करके दिखा रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे हाईवे पे लगा हुआ है उसको भी इटैलिक करके दिखा रहा है, यहाँ पे फर्स्ट पे लगा हुआ है तो फर्स्ट को इटैलिक करके दिखा रहा है, ठीक है, तो इटैलिक में और एम्फेसाइज में क्या डिफरेंस है? एम्फेसाइज का एक डिफरेंट सिमेंटिक मीनिंग है, जो कि विजुअली अगर कोई उस वेबसाइट को देख रहा है ना तो उसमें नज़र नहीं आएगा उसको, लेकिन अगेन अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है और उस वेबसाइट को रीड कर रहा है, वो रीड करके सुन रहा है उस वेबसाइट को, तो वहाँ पे उसको काफ़ी उससे डिफरेंस मिलेगा। अच्छा, तो क्या लिखा है उन्होंने, द EM एलिमेंट इंडिकेट्स एम्फेसाइज दैट सबटली चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि किस जो बोलते हुए ना किस पॉइंट पे जोर दे के बोलना है, एम्फेसाइज करके बोलना है। एम्फेसाइज का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ ना कि अच्छा ये वाला बैग, तो ये मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि इस बैग की बात हो रही है, इन जनरल किसी और बैग की बात नहीं हो रही है ना, तो एम्फेसाइज जुमले में कहीं ना कहीं कर रहा होता है बंदा। बाय डिफॉल्ट ब्राउजर विल शो द कंटेंट ऑफ एम्फेसाइज इज इटैलिक। अच्छा, जब हम किसी चीज़ को एम्फेसाइज में लगाते हैं तो ब्राउज़र उसको इटैलिक करके दिखा देता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर ब्राउज़र उसको इटैलिक करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र वो कह रहा है कि इटैलिक करके उसको दिखाते हैं अकॉर्डिंग टू द HTML5 स्टैंडर्ड, ठीक है, HTML5 का स्टैंडर्ड ये बोलता है। अच्छा जी, तो ये स्ट्रॉन्ग में तो समझ आ गया कि स्ट्रॉन्ग में भी क्या होगा, वो बोलते हुए उसको जोर दे के बोलेगा कि जी खबरदार यहाँ पे पॉकेट पिकर्स हैं, आप होशियार हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे जो होगा, आप देखें इस जुमले को अगर मैं पढ़ूंगा ना, और पहला जो जुमला है उसमें थिंक के ऊपर एम्फेसाइज लगा हुआ है, तो मैं इसको बोलूँगा कि आई थिंक आई वे वॉज द फर्स्ट, कि मुझे ये लगता है कि जो ई वे या आई वे जो भी नाम है वॉज द फर्स्ट, कोई रेस वेस हुई होगी या कोई एग्जाम हुआ होगा उसमें फर्स्ट आ गया होगा। अच्छा, दूसरे जुमले में आप देखें, पहले जुमले में ना मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मुझे ये लगता है ना, या आई थिंक। अच्छा, दूसरे में क्या है, आई थिंक आई वे वॉज फर्स्ट, अब इसमें आई वे पे हो गया। अच्छा, अब ये जुमले का ना मतलब देखें कैसे चेंज हुआ है, कि अब शायद सामने से किसी ने पूछा था कि यार आई वे और जॉन में से कौन फर्स्ट था, तो मैं अब ये जवाब दे रहा हूँ कि यार मेरा ख्याल है कि आई वे फर्स्ट था, जुमले का मतलब चेंज हो गया थोड़ा। अच्छा, अब तीसरे में आप देखें कि आई थिंक आई वे वॉज द फर्स्ट, किसी ने शायद बोला होगा कि नहीं यार जॉन फर्स्ट आया है, तो मैंने कहा नहीं आई थिंक आई वे वॉज द फर्स्ट,
तो ये जुमले में ना जो सिमेंटिक मीनिंग में इसके डिफरेंस आ गया, जो सिमेंटिक मीनिंग है उसके वो डिफरेंस आ गया। जैसे वो आपने वो पीके किसी ने अगर देखी हो तो वो कहते हैं ना कि हाँ के छः मतलब है, कि अगर मुंह गोल करके और आँख निकाल के हाँ बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो धौंस जमा रहा है आप पे कि हाँ हाँ हमको समझा रही है, ठीक है। अगर वो मुंह हिला रहा है साथ में तो इसका मतलब है कि वो कह रहा है यस यस वाला हाँ है, ठीक है। और अगर वो कान खड़े करके ऐसे बोल रहे हैं हाँ तो उसका मतलब है कि उसको बात समझ नहीं आएगी। तो ये वो वाला चक्कर है कि जुमले के पूरे जुमले में हम किस जगह पे एम्फेसाइज करते हैं, इससे मोस्ट ऑफ द टाइम उस जुमले का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो बंदा सुनने वाला है, जो लिसनर है हमारा, देखो विजुअली वाले बंदे को तो पिक्चर्स भी दिख रही हैं, सब कुछ दिख रहा है, उसको समझ आ जाएगा। तो जो डेकोरेटिव जो चीज़ें हैं ना उसको देख के समझ आ जाएगा, लेकिन जो सुनने वाला बंदा है उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आर्टिकल हम लिख रहे हैं तो जहाँ पे एम्फेसाइज की ज़रूरत है वहाँ पे एम्फेसाइज लगाना पड़ेगा हमें, अदरवाइज लिसनर जो होगा हमारा, सुनने वाला जो होगा, उस तक शायद सही मीनिंग कन्वे ना हो पाए। तो ये एक सिमेंटिक एलिमेंट है जिसका स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरनली उसका मीनिंग होता है। अच्छा, इस एम्फेसाइज को फिर जो सर्च इंजन वगैरह जो होते हैं, एक दूसरी मशीन जब मेरी वेबसाइट को विजिट करने आती है, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट को सिर्फ ह्यूमन विजिट नहीं करते, दूसरी मशीनें भी विजिट करती हैं। मिसाल के तौर पे क्रॉलर्स, क्रॉलर्स का पता है सब लोगों को, क्रॉलर एक मशीन होती है, जैसे गूगल है, google.com वालों का एक क्रॉलर है। क्रॉलर एक बड़ा सा बड़ी सारी मशीन होती है, उसमें एक स्क्रिप्ट लिखी हुई होती है। अब उस मशीन का काम क्या होता है कि पूरी दुनिया में जितनी भी वेबसाइट है ना, वो हर वेबसाइट पे बारी बारी जाता है, उस पूरे को स्टडी करता है और उसकी इंडेक्सिंग करता है। और वो इंडेक्सिंग होने के बाद ही जब हम गूगल पे लिखते हैं ना कार, तो कार की वेबसाइट सारी उठा के ले आता है। हम जब लिखते हैं बिल्डिंग तो बिल्डिंग की वेबसाइट ले आता है। हम लिखते हैं कि भाई पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से मुताल्लिक चीज़ें, तो वो उसी इंडेक्स में से उठा के लाता है। तो वो हर 24 घंटे पे या 48 घंटे पे पूरी दुनिया की जितनी भी वेबसाइट है उस पर एक चक्कर मार के वो आता है, ठीक है। तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर है उसको क्रॉलर कहते हैं। अच्छा, क्रॉलर एक नहीं है, गूगल के अलावा याहू भी है, पता नहीं बिंग और पता नहीं कौन कौन से हैं। तो कोई भी मशीन, कोई भी क्रॉलर ना आपके पास उड़ता हुआ कभी भी आ सकता है। अच्छा, वो क्रॉलर जो होता है वो आपके जब कंटेंट को स्टडी करता है, तो क्योंकि ये HTML5 का स्टैंडर्ड है, तो मे बी कि वो इन चीज़ों को भी अकाउंट में ले रहा हूँ, मे बी, नॉट फॉर श्योर, ठीक है। जो पूरा अब इस टॉपिक के ऊपर पूरा SEO का पूरा वो खड़ा हुआ है, एक 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 इंडस्ट्री खड़ी हुई है कि भाई अब वो उस इंडेक्सिंग को कैसे चकमा देना है, कैसे उस इंडेक्सिंग को ये सोचने में मजबूर करना है कि मेरा टॉपिक जो है ना टॉप पर दिखा दो, है ना। मतलब मेरी वेबसाइट बिल्डिंग से मुतालिक है, या जब मैं कार रेंटल लिखूं तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आ जाए, इसके लिए मैं उसको कैसे मतलब ट्रिक करूं कि अच्छा वो टॉप पे आ जाए, ठीक है। वो तो पूरा एक, लेकिन वैसे भी आपने अगर अपने पास कंटेंट अच्छा करके लिखा हुआ है, ये एम्फेसाइज वगैरह, तो मे बी वो इसको भी अकाउंट में लेता हो, ठीक है। क्योंकि वो डिस्क्लोज़ नहीं करते, गूगल वाले डिस्क्लोज़ नहीं करते कि हम कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, हम कैसे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी वेबसाइट ज़्यादा रेलिवेंट है, कौन सी कम रेलिवेंट, तो वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो लोगों का डिफरेंट ख्याल है, कुछ लोग कहते हैं अच्छा हेडिंग को ज़्यादा उसका वेट होता है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार वो टेक्स्ट को भी पढ़ते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा वो टेक्स्ट की सिमेंटिक मीनिंग को भी पढ़ते हैं। तो ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ख्याल हैं। बहरहाल वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है ऐसी हो, तो हम उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो हमें पता क्या चला कि एक वेबसाइट को ह्यूमन के अलावा कोई सॉफ्टवेयर भी विजिट कर सकता है, जैसे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल ले लेता है। जो अगर किसी का इत्तफाक, अल्लाह ना करे किसी का देखने का इत्तफाक वो सॉफ्टवेयर, लेकिन मुझे थोड़ा सा काम करने का मौका मिला है तो मैंने वो सॉफ्टवेयर एक दफ़ा इंस्टॉल किया था, तो वो पूरा कंप्यूटर जो है ना फिर गड़बड़ हो जाता है, क्या कहते हैं, पूरा कंट्रोल वॉइस पे हो जाता है उसका। तो दो सॉफ्टवेयर हैं उनके बड़े फेमस जो आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। अच्छा, फिर तो सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, दूसरा मशीनें हो सकती हैं जैसा कि क्रॉलर्स, ठीक है। अच्छा, फिर चौथा वेब स्क्रैपर्स भी हो सकते हैं। वेब स्क्रैपर भी एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं और उसके तमाम का तमाम जो कंटेंट है उसका ना, उसको वो रीड करते हैं और रीड करके उसको अपने पास इकट्ठा करते हैं, फिर फर्दर उसको प्रोसेस करते हैं। ये आमतौर पर मशीन लर्निंग वगैरह के लिए ना स्क्रैपिंग करनी पड़ती है हमें, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक AI का एल्गोरिथम बनाना चाह रहे हैं जो क्या प्रेडिक्ट करे कि अच्छा यार ये कैट है या डॉग है, ठीक है, या किसी फ़ोटो को देख के बताए कि अच्छा ये बंदा कौन सी कंट्री का हो सकता है, प्रेडिक्ट करे कि अच्छा जी ये अमेरिकन लग रहा है, ये लैटिनो लग रहा है, ये मैक्सिकन लग रहा है फ़ोटो देख के। तो उसके लिए आमतौर पर हमें डेटा, क्योंकि हमारे पास तो
उसमें 1 लाख मैक्सिकन लोगों की फ़ोटो चाहिए जिससे हमें उस मॉडल को ट्रेन करना है, फिर 1 लाख अमेरिकन की, 1 लाख पाकिस्तानी फ़ोटो चाहिए, तो ये डेटा आमतौर पर हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। तो या तो ये हमें कैसे ख़रीदना पड़ता है या तो आमतौर पर इसको स्क्रैप किया जाता है। तो वेब स्क्रैपर्स जैसे सॉफ्टवेयर होते हैं कुछ, जिनको वेब स्क्रैपर की कैटेगरी में डाला जाता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो सॉफ्टवेयर भी आपकी वेबसाइट पे आ सकता है आपकी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, ठीक है। तो उसको किस तरह से अकोमोडेट करना है, तो ये भी सिमेंटिक में दाखिल है, समझ लो। अच्छा, वेब स्क्रैपर को बाय द वे ब्लॉक करके रखते हैं सब लोग, जो फेसबुक ने वेब स्क्रैपर को कम्प्लीटली ब्लॉक किया हुआ है कि वेब स्क्रैपर आता है उसको वो दिखाता है ब्लैंक पेज, वो कहता है यही है ब्लैंक, बस ले जाओ इसको सही है, क्योंकि वो प्राइवेसी का भी चक्कर होता है कुछ। तो हमने ये देखा कि हमारी वेबसाइट को ह्यूमन के अलावा कई और तरह से भी विजिट किया जा सकता है और उसमें सिमेंटिक टैग की वैल्यू हो सकती है। अच्छा जी, कोटेशन एक एलिमेंट है ब्लॉक कोट करके। अच्छा, ब्लॉक कोट के अंदर इसने क्या लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डिड यू एवर स्टॉप थिंकिंग एंड फॉरगेट टू स्टार्ट अगेन। और यहाँ पे साइट के अंदर एक वेबसाइट का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, साइट स्टैंड्स फॉर साइटेशन। साइटेशन के मतलब ये जो कोट किसी का है, ये किसी वेबसाइट पे इस कोट का जिक्र किया गया है या किसी बंदे ने बोला है, तो यहाँ पे मैं उसका लिंक लगा दूँ कि अच्छा जी मैंने यहाँ से ये बात उठाई है, तो दिस इज साइटेशन। स्टिल ये बात जो विजुअली जो बात पढ़ रहा होगा इसको, उसको ये बात नज़र नहीं आएगी, ठीक है, जो इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। लेकिन अगेन, जब कोई क्रॉलर आएगा या कोई वेब स्क्रैपर आएगा तो इस पैराग्राफ के साथ उसको ये साइटेशन भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगी यहाँ पे ना, अगर वो चाहे तो उसको एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अच्छा जी, तो ब्लॉक कोड जो है वो एक सिमेंटिक टैग है, इसकी सिमेंटिक वैल्यू होती है जब आप साइटेशन का वो लिंक लगाते हैं तो। अच्छा जी, अब एक है, एक और एलिमेंट है जिसमें सिर्फ क्यू लिखा हुआ है, कोट। अच्छा, अब आप देखें क्या किया हुआ है यहाँ पे, एक बात लिखी हुई पैराग्राफ में, एज ए मिलन सेड, या आप इसको ऐसे लगा लें कि एज कायदे आज़म सेड, कि काम काम और सिर्फ काम। तो काम काम और सिर्फ काम ना, ये क्यू के टैग में रैप करेंगे आप इसको, कि अच्छा जी ये कोट है किसी बंदे ने कहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि ब्लॉक कोट के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो ये प्रॉपर वेबसाइट पूरी बता दें, एक में जस्ट ये नाम लिखा हुआ है और क्यू का टैग एटलीस्ट आपने लगाया हुआ है कि जी ये किसी का कॉल है, किसी का कोट है ये, और जो दूसरे वाले का रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से, इसको इसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, डबल कोटेशन में इन्वर्टेड कॉमा में इसको रैप कर दिया इसने। अच्छा, एब्रीवेशन एंड एक्रोनियम। एब्रीवेशन और एक्रोनियम हम सब लोगों को पता है, लेकिन क्या आप में से किसी को ये पता है कि एब्रीवेशन और एक्रोनियम में क्या फ़र्क है? अच्छा, सबसे पहले तो एब्रीवेशन का जिक्र है। इफ़ यू यूज़ एन एब्रीवेशन और एन एक्रोनियम, देन ABBR करके टैग है, एलिमेंट कैन बी यूज्ड। अब यहाँ पे देखें इन्होंने क्या किया, एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है PROF, दैट स्टैंड्स फॉर प्रोफेसर। अच्छा, देखने वाले को, विजुअल वाले को तो समझ आ जाएगा कि प्रोफेसर का मतलब प्रोफेसर है यहाँ पे, लेकिन ABBR करके ना इसको रैप किया हुआ है, ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है और उसके दरमियान में वो प्रॉफ करके लिखा हुआ है। अच्छा, और उसका टाइटल दिया है इसने प्रोफेसर, कि अच्छा जी ये प्रॉफ का मतलब जो है ना प्रोफेसर होता है। वैसे तो ये बड़ी कॉमन बात है, लेकिन उसके लिए कॉमन बात है जो अंग्रेजी लिखना और पढ़ना जानता है, जो नहीं पढ़ना जानता या जो नया बंदा है उसके लिए शायद ये कॉमन बात नहीं, और कंप्यूटर जिसको कोई लैंग्वेज नहीं आती उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको ये बताया जाए। अच्छा, तो इसने लिखा कि भाई प्रोफेसर स्टेफन हॉकिन इज थियोरिटिकल फिजिसिस्ट एंड कॉस्मोलॉजिस्ट, ठीक है। कॉस्मोलॉजिस्ट मतलब आसमानों की, खलाओं की, सैयारों की स्टडी करने वाला बंदा। अच्छा, इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसमें आप देखिए, रिजल्ट में एक बिल्कुल सिंपल सा पैराग्राफ दिख रहा है कि प्रोफेसर स्टेफन हॉकिन और थियोरिटिकल, वो एक सीधी सी लाइन लिखी हुई है, उसमें कुछ भी आपको डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा जो एक पैराग्राफ से डिफरेंट लग रहा हो। बट स्टिल ये जो प्रोफ लिखा हुआ है ना, इसके साथ जो ये टाइटल है, एक तो ये पढ़ने में इसको पूरा प्रोफेसर बोलेगा होपफुली जो सॉफ्टवेयर होगा। अच्छा, दूसरा ये कि कोई क्रॉलर या कोई सॉफ्टवेयर जब मेरी वेबसाइट को विजिट करेगा ना, तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। अगर सर्च इंजन कोई आके विजिट करेगा उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब ये एक अलग बात है कि वो उसको अकाउंट में लेता है या नहीं लेता, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी ज़रूर। अच्छा, इसी तरीके से एक्रोनियम है। अच्छा, एक्रोनियम में और एब्रीवेशन में डिफरेंस ये है
कि एक्रोनियम जो होता है ना वो बाकायदा एक नाम बन जाता है। जैसे नासा जो है, नासा स्टैंड्स फॉर समथिंग, बट हम उसको नासा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये प्रॉफ जो है, इसको आप देखें, ये कभी भी इसको कोई प्रॉफ नहीं पढ़ता, इसको प्रोफेसर पढ़ा जाता है। लिखते शॉर्ट हैं लेकिन पढ़ते हमेशा पूरा हैं, लिखते शॉर्ट हैं लेकिन पढ़ते हमेशा पूरा हैं। जैसे एम आर है, तो उसको कभी भी एम आर नहीं पढ़ता कोई, उसको मिस्टर पढ़ा जाता है या मिसेस पढ़ा जाता है। तो इस तरह की कोई चीज़ होती है ना जो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एब्रीवेशन कहते हैं। तो एम आर इज़ एब्रीवेशन फॉर मिस्टर, या पी आर ओ एफ जो प्रॉफ है इज़ एब्रीवेशन, यानी शॉर्ट फॉर्म को एब्रीवेशन कहते हैं। समटाइम मुझे पर्सनली, जब मैं छोटा था तो मुझे लगता था कि जो लॉन्ग फॉर्म है उसको एब्रीवेशन कहते हैं और जो शॉर्ट वाला है उसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, बट एक्चुअल में अपोजिट है। तो मुझे बड़े ज़माने बाद ये पता चला कि अच्छा, शॉर्ट फॉर्म वाले को एब्रीवेशन कहते हैं। तो प्रोफेसर इज़ द एब्रीवेशन। अच्छा, एक्रोनियम ऑन अदर हैंड, आप देखें, नासा जो है ना स्टैंड फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बट ये पूरी बात कोई नहीं करता, नासा इट्सेल्फ एक वर्ड बन चुका है। तो इस तरह के जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उसको हम कहते हैं एक्रोनियम, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे एक और एग्जांपल कोई बता सकता है कि नासा के अलावा कोई एक्रोनियम की एक एग्जांपल? डब्ल्यू एएसएफ, जैसे सुपारको है, सुपारको स्टैंड फॉर समथिंग, बट वो सुपारको एक वर्ड बन चुका है। तो इस तरह वो भी एब्रीवेशन ही है काइंड ऑफ, लेकिन उसको एक्रोनियम कहा जाता है। अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, जो एक्रोनियम है ना, एक्रोनियम में क्या होता है कि इसने जब इस पे माउस को हवर किया ना नासा के ऊपर, तो ये नीचे वो पूरी बात भी लिखी हुई आ गई है, ठीक है, एक्रोनियम के साथ ये वाली बात है। अच्छा, ये एक्रोनियम और एब्रीवेशन का ना मार्कअप अलग अलग इस वजह से, ये आपको समझ आ गया होगा कि जब वो बोल के बताएगा ना, जब विजुअली इम्पेयर्ड बंदा कोई विजिट करेगा तो उसको जब ये बोल के बताएगा तो एक्रोनियम को उसको पता है कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही बोलना है, और एब्रीवेशन का ये टाइटल पढ़ना है, तो इसलिए ये मार्कअप ऑब्वियसली अलग अलग होना ही चाहिए था इसको। जी दोस्त, सर, ये एक्रोनियम टाइटल इसके आगे पूरा लिखा नेशनल एरोनॉटिकल नहीं, ये एक तो एक्रोनियम में ये होता है कि माउस हवर करने से वो कह रहा है कि अब वो उसको दिखाएगा। अच्छा, ये आपने ना, ये जितने भी टैग्स हम पढ़ रहे हैं, ये आप लोगों ने इसको इस्तेमाल करके देखना है, इसको गूगल क्रोम पे रन करके देखना है। यहाँ पे क्योंकि अभी ये थ्योरी पढ़ रहे हैं हम, थोड़ी सी अभी हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे इसका, तो लेकिन आप सब लोगों ने क्या करना है, इन टैग्स को इस्तेमाल करके देखना है कि इसका बिहेवियर क्या वाकई वैसा ही है जैसा बुक में बताया गया है, या आया कि कुछ चेंजेस हैं इसके अंदर, आया कि आपको ये सही इस्तेमाल करना आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने इसको करके भी देखना है। ये तो मैं थोड़ी थोड़ी आपको थ्योरेटिकल मोटी मोटी बातें बताता जा रहा हूँ। अच्छा, इसको लिखने का जो HTML5 के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो तरीका है ना, वो ये है, ठीक है। HTML5 के स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने ऐसे लिखना है, बट अगर आप ये टाइटल नहीं भी लिखते हैं, ये टाइटल आप सिरे से लिखते ही नहीं है, सिर्फ एक्रोनियम का रैप कर देते हैं उसको बना के, तो ये एरर नहीं देगा कोई, ये क्योंकि HTML के अंदर एरर नहीं आते आमतौर पर। HTML के अंदर कोई चीज़ या तो डिस्प्ले कर देगा या तो वो नहीं डिस्प्ले करेगा, दैट्स इट, एरर नहीं आते उसके अंदर, ठीक है। बट ये वाला तो वैसे भी स्क्रीन पर नहीं दिखता, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सही लिखा है नहीं। तो हमें आमतौर पे इस तरह के केसेस में HTML5 का जो स्टैंडर्ड है ना, उसको हमें फॉलो करना होता है, ठीक है। HTML5 का स्टैंडर्ड हम सीधा सीधा फॉलो करते हैं। जो ब्राउज़र इन चीज़ों को, देखो कुछ ब्राउज़र ना इस चीज़ को एक डिफरेंट तरह से दिखाएगा, कुछ डिफरेंट तरह से दिखाएगा, लेकिन HTML का स्टैंडर्ड सेम रहेगा सब जगह पर। मे बी कोई ब्राउज़र ऐसा करे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ ना नासा, इसके नीचे बारीक सा वो पूरा लिख के दिखा दें, मे बी ऐसा कुछ करे ब्राउज़र, ठीक है। क्योंकि ये ब्राउज़र्स अलग अलग कंपनीज हैं, गूगल इज़ एन इंडिपेंडेंट कंपनी ना, माइक्रोसॉफ्ट एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, तो वो अपने ब्राउज़र को जैसे चाहे डिज़ाइन करें। तो हमें लेकिन क्या करना है, HTML5 का स्टैंडर्ड फॉलो करना है, और इस उम्मीद पे कि कभी कोई इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये हमें बेनिफिशियंट रहेगा। अच्छा, जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर भी आ रहे हैं ना, क्रॉलर, जो विजुअली इंपेयर्ड लोगों के सॉफ्टवेयर, वो सब लोगों को भी जहन में ये कि HTML5 के स्टैंडर्ड पे बनी हुई होगी वेबसाइट, ठीक है। तो सब लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड है। कुछ लोग अपनी लिमिट को बहुत पुश करके उससे बहुत आगे निकले हैं, जैसे कि गूगल क्रोम बहुत आगे निकल जाता है समटाइम, ठीक है। लेकिन जो मिनिमम स्टैंडर्ड है ना, वो गूगल, वो HTML5 का है। हाँ, ये हवर करने पे दिया इसने, वैसे नहीं देगा ये। तो मतलब अगर
पेज के ऊपर हम लिख रहे हैं, लिखा है हमने पार्टिकल लिखा और उसके अंदर हमने ये एक्रोनॉम यूज किया, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ इसके नीचे अंडरलाइन करेगा या कुछ प्रॉपर तरीके से जैसे बैकलिंक्स वगैरह हम लोग देते हैं या इसको शेप चेंज कर देंगे कि बंदा कोई इसको बोला रहा है या कोई भी बंदा इसको रीड कर रहा है तो मतलब उसको समझ आएगा कि यहाँ पर एक्रोनॉम यूज हुआ है और हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो मतलब उसका एब्रिविएशन जो भी है करेगा। अच्छा कुछ ब्राउजर में हो सकता है कि इसका शेप चेंज कर दे वो, कुछ ब्राउजर्स में, लेकिन गूगल क्रोम में तो मेरा ख्याल है नहीं करता चेंज ये, लेकिन चला कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा एक जगह और भी है, देखें बुक में ना यहाँ पे बहुत शॉर्ट सी बात की हुई है, यहाँ पे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखा हुआ है बुक में इसने और बस ये ख़त्म कर दी बात इसने यहीं पर ना। अच्छा एक जगह और भी है, दैट इज़ कॉल्ड MDN, तो आपने जाना है, ये मैंने क्या लिखा है, ABBR लिख दिया जो वो एब्रीवेशन था और साथ में लिख दिया MDN। MDN का मतलब है Mozilla डॉक्यूमेंट नेटवर्क, इस तरह करके कुछ है ये Mozilla Firefox जो ब्राउज़र है ना जिनका, उन्होंने वो एक कम्युनिटी भी रन कर रहे हैं वो लोग, तो उन्होंने ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना ये असेंबल किया हुआ है। इसमें आप जाएंगे ये काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, ठीक है ये काफ़ी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। अब यहाँ पर आप देखें कि जो है ना इसने ये पूरी बात भी की हुई है, इसको ट्राई करके भी दिखाया हुआ है, इन्होंने एग्जांपल कुछ इस तरह से दी कि भाई ABBR यहाँ लिखा है और साथ में ब्रैकेट में पूरी वो बात लिखी हुई है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो जी ब्रैकेट में लिखी है तो ब्रैकेट में नज़र आ गई, ठीक है। अच्छा ये कलर जो चेंज हुआ है ये आई एम नॉट श्योर कि ये CSS लगा के इन्होंने किया है, ठीक है देखो CSS लगा के किया है कि ABBR जाओ ना उसका कलर चेंज कर दो, खुद से नहीं कर रहा, अगर मैं ये हटा दूँ ना इसका ये CSS अगर, तो देखो ये बिल्कुल नॉर्मल शो हो रहा है, सेम तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जो गूगल क्रोम का ब्राउज़र है, क्योंकि इस वक्त हम गूगल क्रोम पर हैं तो उसका रिजल्ट दिख रहा है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर चेंज नहीं करता, लेकिन इन्होंने CSS लगा के खुद से किया हुआ था कलर चेंज। अच्छा तो ये यहाँ पे आके ना अब देखें इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स लग जाते हैं, अब यूजेज इसका कहाँ कहाँ पर है, कहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है, डिटेल यहाँ पर इन्होंने बात की है, ठीक है। ग्रामर कंसिडरेशन करके एक हेडिंग है इसमें, कुछ मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। और लास्ट में इन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ भी बताई हुई है, W3 स्कूल नहीं है ये है Mozilla डॉक्यूमेंट, उसमें भी है जी जी बिल्कुल उसमें भी मौजूद है, उसमें भी देख सकते हैं आप। अच्छा ये एक्सेसिबिलिटी के कंसर्न की जो हेडिंग डली हुई है ना, एक्सेसिबिलिटी कंसर्न वही होता है कि अच्छा जी जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं तो उनके लिए इसको एक्सेसिबल कैसे बनाना है, तो ये वो वाली बातें हो रही हैं यहाँ पे ना, एक्सेसिबिलिटी वाली बातें हो रही हैं। अच्छा यहाँ पे एक चार्ट इसने बनाया हुआ है कि भाई ये वाला ABBR का जो मार्कअप है ये कौन कौन से ब्राउज़र में सपोर्टेड है और उसका मिनिमम कितना वर्जन होगा तो सपोर्टेड होगा, ठीक है। अभी जैसे गूगल क्रोम का जो वर्जन 2 था उसमें ये सपोर्टेड हो गया था और अभी भी सपोर्टेड है, ठीक है। इसी तरीके से एज जो था माइक्रोसॉफ्ट का उसमें 12 वर्जन था, अभी बाय द वे क्रोम का वर्जन अभी क्या चल रहा है, मेरा ख्याल है 109 चल रहा है शायद, 109 इस तरह कुछ है, देख लेते हैं ना यहाँ पर आ रहा होगा क्रोम अबाउट क्रोम 111 चल रहा है इसका वर्जन अभी, ठीक है 100 इसके वर्जन आ चुके हैं अभी तक, तो ये वर्जन 2 में सपोर्टेड हो गया था ये वाला, क्योंकि ये वन ऑफ दोज टैग्स है जो HTML5 के शुरू में ही ऐड हो गया था, बल्कि शायद HTML4 में भी ये हुआ करता था, लेकिन कुछ आपको टैग्स ऐसे यहाँ पे मिलेंगे ना जो गूगल क्रोम में वो कहेगा कि यार गूगल क्रोम 75 वर्जन के बाद ये सपोर्टेड है, या वो बोलेगा कि यार ये सफारी में सपोर्टेड नहीं है, इसमें नो लिखा हुआ होगा, क्रॉस लिखा हुआ होगा। तो किसी भी टैग किसी भी एलिमेंट के बारे में जब आप स्टडी करेंगे ना यहाँ पे आके, तो ये लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बताई हुई है। अच्छा इन्होंने ये कंप्यूटर और मोबाइल का अलग बताया हुआ है, ये कंप्यूटर का है और ये मोबाइल का है, कि जी मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र है ये रहा, एंड्रॉयड का जो क्रोम ब्राउज़र है उसमें कौन से वर्जन तक ये सपोर्टेड है, इसमें जस्ट यस लिखा हुआ है इन्होंने, इसका मतलब है सपोर्टेड है, ठीक है। किसी भी क्लिक कर रहे हैं तो नीचे ये मज़ीद भी बात कर रहे हैं, तो ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीचे इसने कुछ मज़ीद लिंक्स भी दिए हैं कि मज़ीद पढ़ने के लिए आप इन लिंक्स पे जा सकते हैं। अच्छा जी तो ये हमने पढ़ लिया जी एक्रोनियम। अच्छा एक और भी एलिमेंट है साइट करके, इसके बारे में भी मज़मून यहाँ लिखा हुआ है तो इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। साइट जो है वो क्या होता है कि किसी बुक का रेफरेंस जब हम दे रहे होते हैं, किसी आर्टिकल का, किसी वाइट पेपर का, किसी रिसर्च पेपर का जब हम रेफरेंस दे रहे होते हैं तो वहाँ पे ना उसको साइट करके उसका नाम लिख देते हैं। अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिखा है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम,
ये एक बुक है, स्टीफन हॉकिन की बुक है ये, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो इसको साइट में पैक कर दिया। बाई स्टीफन हॉकिन हैज़ सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड। तो ये एक स्टेटमेंट लिखी एक पैराग्राफ में और साइट उसके अंदर बता दिए कि जी ये साइट है। अच्छा, इस साइट में कोई URL नहीं है, कोई डिटेल्ड इसके वो नहीं है कि कहाँ से उठाया, बट वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उसको समझ रहे हैं कि अच्छा जी ये एक मशहूर बुक है, तो लोग उसको अलग से भी सर्च कर लेंगे, या कोई मशहूर मूवी है, या कोई मशहूर रिसर्च पेपर है, या कोई मशहूर डेटा सेट है, या मशहूर कोई आर्टिकल है, ठीक है जी। DFN जो है, अच्छा अगेन आप देखें, ये भी कोई सिर्फ हल्का सा इटैलिक करके इसने दिखा दिया है ब्राउज़र के ऊपर। ये सारे सिमेंटिक एलिमेंट्स हैं, इनकी सबकी सिमेंटिक वैल्यूज़ हैं, ब्राउज़र के ऊपर ये आमतौर पर नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। DFN करके भी है कि अच्छा जी डेफिनेशन किसी चीज़ की अगर आप लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये जो पूरा पैराग्राफ है, आप ये पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ें तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ ब्लैक होल इज़ अ रीजन ऑफ स्पेस फ्रॉम विच नथिंग इवन नॉट इवन लाइट कैन एस्केप। तो असल में ये दिस पैराग्राफ इज एक्चुअली अ डेफिनेशन है ना। अच्छा, तो किस चीज़ की डेफिनेशन है ये? ब्लैक होल की डेफिनेशन है। तो अब हमें क्या चाहिए कि इस पैराग्राफ में हम ब्लैक होल पे जाके क्या लगा देंगे, ऐसे इसको DFN करके रैप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस वाले सिमेंटिक एलिमेंट को गूगल का जो सर्च इंजन है वो अकाउंट में लेता है 100%, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि आप जब जाके गूगल पे लिखते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ब्लैक होल, या कोई भी डेफिनेशन की बात करते हैं कि भाई फलां चीज़ का मुझे डेफिनेशन ला के दो, तो वो जो डेफिनेशन ला के देता है ना, वो डिफरेंट मुख्तलिफ वेबसाइट से ये वाले टैग को पकड़ता है और डेफिनेशन ला के देता है। तो हम ज़रा एक ट्राई करते हैं एक आध डेफिनेशन लिखने की। ठीक है, अच्छा, ये तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी से भी उठा के लेकर आ गया, लेकिन आप देखें नासा की वेबसाइट का भी एक लिंक आ गया, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये नासा की वेबसाइट का जो लिंक यहाँ पे आ रहा है कि अ ब्लैक होल इज़ अ प्लेस इन अ स्पेस वेयर ग्रेविटी पुल सो मच इवन नॉट लाइट कैन एस्केप आउट ऑफ देयर, और जो भी इसने बात यहाँ लिखी हुई है, तो मे बी इसके अंदर ब्लैक होल के ऊपर ना DFN का वो टैग लगा हुआ होगा कि अच्छा जी ये दिस पैराग्राफ इज़ अ डेफिनेशन, और जिस चीज़ की डेफिनेशन है उस पर वो DFN का टैग लगा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, हाँ, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा इसी टॉपिक पे है ना कि उसको कैसे, देखो एक तो अच्छी वाली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है ना कि जी, हाँ, एक एयरलाइन कंपनी है जी, एयर ब्लू है, तो उसने कहा अच्छा जी हम ट्रैवल करते हैं, तो अगर कोई लिखे जी कि कराची से स्विट्ज़रलैंड कोई डायरेक्ट फ्लाइट अगर वो देते हैं तो वो आ जाना चाहिए, तो रेलिवेंसी की बात है, तो वो तो प्रॉपर तरीका है सर। लेकिन लोग जो गलत वाला भी करते हैं, दो नंबर सर्च ऑप्टिमाइजेशन ना, कि जी आप कुछ भी बात लिख रहे हैं तो वो टॉप पर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन गूगल वाले कंटिन्यूसली उससे फाइट करते हैं, कंटिन्यूसली उसको काउंटर कर रहे होते हैं क्या, और वो दिन ब दिन अपना जो सर्च का अल्गोरिथम है जिसके ज़रिए वो इस चीज़ को क्या कहते हैं पता लगाते हैं कि अच्छा जी ये वाकई रेलिवेंट है या नहीं है, तो उस अल्गोरिथम को मज़ीद चेंज करते रहते हैं वो, ठीक है। समटाइम वो बात लीक हो जाती है कि अच्छा जी ये तो ये करते हैं अंदर, तो वो उसको फिर चेंज कर देते हैं, कुछ दूसरी चीज़ों पर करने लग जाते हैं। अब तो AI का दौर है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब वो AI यूज़ करते होंगे पूरी वेबसाइट को देखने के लिए कि व्हाट इज़ दिस वेबसाइट इज़ ऑल अबाउट, तो वो उसको बता देता होगा अच्छा जी एयरलाइन कंपनी है, तो एयरलाइन की कंपनी के अब लाखों वेबसाइट है, उसमें वो इंडेक्सिंग करता होगा कि अच्छा जी इसमें से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट कौन है, सबसे ज़्यादा रेटिंग किसकी अच्छी है, लोग किस वेबसाइट पे आके ज़्यादा देर स्टे करते हैं, तो उसको वो टॉप पे लाता होगा, बाकियों को उसके नीचे और वो फिर एक लंबी लिस्ट तैयार करता होगा, तो कुछ इस तरह से करता होगा मोस्ट प्रॉब्ली। लेकिन वेल वो डिस्क्लोज़ नहीं करते कि वो क्या करते हैं इंटरनली, ठीक है। अभी भी बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ये क्लेम करती हैं, जो बहुत सारे हमारे पास प्राइवेट फर्म्स हैं जो क्लेम करती हैं कि यार जी हम एजेंसी हम आपके SEO करते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे ना गूगल पे जाके SEO एजेंसीज़, तो वो बहुत सारी छोटे छोटे स्टार्टअप्स आ जाएंगे, तो वो चार पाँच लोगों की बना के वो एक एजेंसी छोटी सी बनाई होती है, वो कहते हैं जी हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और वो कर भी देते हैं मतलब कहते हैं कि अब टॉप पर आ जाएगा आपका, तो वो आना भी शुरू, हाँ वो कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मगर वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, ये भी एक मज़े, अगर दो नंबर सर्च ऑप्टिमाइजेशन की है ना तो वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, वो दो महीने तीन महीने बाद दोबारा करवानी पड़ती है, असल गेम उनका इसी से चल रहा है कि हर दो तीन महीने बाद ना वो कहते हैं अच्छा नीचे चले गया तो फिर ले आओ, हम फिर ऊपर ले आएंगे उसको, तो उनका गेम चला ऐसे रहे। वेल,
हाँ अच्छा जी, तो ये चैप्टर हम ख़त्म कर लेते हैं। अच्छा जी, इसी तरह देखें एड्रेस का भी एक टैग है। एड्रेस के टैग के अंदर एक पैराग्राफ लिख के इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अपना ईमेल लिखा हुआ है। ठीक है, ये एंकर टैग हमने इस्तेमाल किया अभी तक क्लास में, एंकर टैग हमने इस्तेमाल नहीं किया ना। ये आगे एक एंकर टैग का पूरा लिंक्स का पूरा चैप्टर है जिसमें ये एंकर टैग डिस्कस होगा। वेल, तो एड्रेस के टैग के अंदर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, मिसाल के तौर पर मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है सिसबॉर्ग, तो अगर कोई गूगल पर जाकर लिखता है कि सिसबॉर्ग और एड्रेस, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली गूगल क्या करेगा, मेरी वेबसाइट पे आके एड्रेस वाला टैग उठा के ले जाएगा। जब मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर रहा होगा ना, जब वो क्रॉलर आएगा तो वो देखेगा अच्छा जी इनके वेबसाइट में एक एड्रेस का टैग मौजूद है, तो वो उसको उठा के एज एड्रेस सेव कर लेगा। जब कोई बोलेगा कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ गूगल, आप देखें अभी मैं जाके बोलूँगा ना कि व्हाट इज़ द एड्रेस ऑफ गूगल, तो ये इसको पता होता है। ठीक है, ये देखें अच्छा इसमें कोई प्रॉपर इसने एड्रेस नहीं लगा दिया, मैं थोड़ा सा डिफरेंट इसमें मैं लग देता हूँ टेस्ला हेडक्वार्टर। अच्छा ये देखें सर्च बॉक्स में ही उसने लिख के बता दिया कि जी ऑस्टिन टेक्सास में है और यूनाइटेड स्टेट में। ये देख रहे हैं आप, तो ये इस तरह की जो सिमेंटिक डिटेल होती है ना, वो हमें कहाँ से मिलती है आमतौर पर, इनके कॉन्टैक्ट के पेज के ऊपर tesla.com/contact पे इन्होंने देखें ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एड्रेस के टैग में इसको रैप किया हुआ होगा, इसी वजह से गूगल को फ़ौरन पता चल गया कि अच्छा जी ये जो है ना एड्रेस यहाँ पे इसका लिखा हुआ है। तो इसी तरह मैं किसी भी जगह का एड्रेस या फ़ोन नंबर लिखूँगा। अच्छा यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, तो ये देखें जी फ़ोन नंबर वाला पार्ट उठा के लेकर आ गया। ये भी कहाँ से लाया, tesla.com/contact us से ये उठा के लाया। लेकिन आप एग्जैक्टली देखें ये क्या कर दिया इसने कि फ़ोन नंबर ला के यहाँ पे दिखा दिया मुझे। इस पर आप कॉल करेंगे तो ये टेस्ला में कॉल जाएगी, जो उनका हेडक्वार्टर है उसमें ये कॉल जाएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे कोई शायद कॉल सेंटर रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो उठाएगा, या वहाँ पे जो भी असिस्ट कर रहा होगा फ्रंट डेस्क पे वो उठाएगा इसको। तो ये जो एड्रेस का जो टैग है, आप देखें फ्रंट एंड पे जो इसको जो पेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें तो वो एड्रेस के टैग की वजह से कोई चेंजेस नहीं आ रही है, वो हल्का सा उसको इटैलिक करके जस्ट दिखा रहा है। इटैलिक तो इटैलिक को भी दिखा रहा है, एम्फेसाइज को भी दिखा रहा है, इसको भी इटैलिक करके दिखा रहा है। तो बट इसका एक सिमेंटिक वैल्यू है जो हमें देखने को मिलती है, अभी हमने वो एक्सपीरियंस करके भी देखा। ठीक है जी, अच्छा चेंजेस टू कॉन्टेंट, इस तरह की चीज़ अक्सर आपने देखी होगी कि जी एक कोई लिखा था आर्टिकल, उसमें गलती हो गई, उस वर्ड को कट लगा के उस पर एक नया वर्ड लिखा है। अच्छा इस वर्ड को टोटली इरेज भी कर सकते थे, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं क्रिटिकल, उसमें इरेज नहीं करते, वो कहते हैं अच्छा जी ये था पहले, वो एक्सेप्ट करते हैं कि जी हमने ये पहले गलती कर दी थी, अब इसको काट दिया। अच्छा या समटाइम हमारे पास क्या होता है कि भाई 995 प्राइस थी, उसको कम करके जो है वो 375 कर दिया, तो पुराने वाले को रखा जाता है लेकिन उसमें कट लगा देते हैं। अच्छा तो इसके लिए जो कोडिंग इन्होंने लिखी है वो देखें एस करके लिखा है, एस का मतलब है लाइन स्ट्राइक, तो वो स्ट्राइक उस पर बना के दे देगा। अच्छा ये वाला जो दूसरा है ना ऑन अदर हैंड, ये डिलीट और इंसर्ट है। ठीक है, एक तो है स्ट्राइक के जस्ट लकीर दिखानी है, एक डिलीट और इंसर्ट है कि जी ये वर्ड ख़त्म हो गया है और ये वर्ड आ गया है ना, ताकि जब इसको कोई AI का एल्गोरिथम इस वेबसाइट को पढ़े या कोई क्रॉलर इस वेबसाइट को पढ़े, तो वो अपने इंडेक्सिंग में ना इस डिलीट वाले वर्ड को हटा दे, रिमूव कर दे। लेकिन विजुअली ये दिखता रहेगा, लेकिन उस इंडेक्सिंग में इसको वो शामिल नहीं करेगा। इसको मिसाल के तौर पे किसी एयरलाइन की वेबसाइट थी, उसने लिखा कि वी आर द बेस्ट बस कंपनी है ना, ये लिख दिया उसने गलती से, तो बाद में उस पर ना डिलीट करके अगर लगा दिया ना आपने, तो और इंसर्ट कर दिया उसकी जगह पे कि एयरलाइन, तो अब जो सर्च इंजन के लिए क्रॉलर्स आएंगे या कोई मशीन आएगी, तो वो जब उस पूरे कंटेंट को पढ़ेगी ना, तो डिलीट वाले को मोस्ट प्रोबली वो शामिल नहीं करेंगे। अच्छा ये स्टिल सिमेंटिक डिटेल्स हैं, इसको कौन सा सॉफ्टवेयर कैसे यूटिलाइज करता है टोटली डिपेंड्स ऑन देम, हो सकता है वो ना करते हो, ठीक है, लेकिन हमारा काम है हमें स्टैंडर्ड के मुताबिक वो चीज़ प्रोवाइड कर देना जो HTML5 ने डिफाइन किया है। ठीक है, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर इससे डिफरेंट तरीके से इस्तवादा हासिल कर रहे होंगे, उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन कि वो कैसे कर रहे हैं, हमें अपनी तरफ से पूरा काम कर देना जो स्टैंडर्ड है। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डिलीट वाले वर्ड को अपनी इंडेक्सिंग में शामिल नहीं करेगा। ठीक है, तो बस वाली, जब बस लिख के कोई सर्च करेगा तो आपका रिजल्ट कहीं अगर आ रहा है ना 10वें 20वें पेज पे भी, तो वो वहाँ पे नहीं आएगा, फिर वो एयरलाइन के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, तो मेरा ख्याल है यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो गया।
ये हमने बहुत सारे सिमेंटिक मार्कअप्स पढ़े हैं। अच्छा, सिमेंटिक मार्कअप जो है, एक तो इस चैप्टर में इसने बहुत जो इम्पॉर्टेंट थे वो जिक्र कर दिए। पूरे अब 8 चैप्टर तक भी ना कहीं वक्तन फवक्तन कोई ना कोई सिमेंटिक हमें मार्कअप नज़र आता रहेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये आपने ना डिफरेंस इसका भूलना नहीं है कि सिमेंटिक मार्कअप जो होता है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन आम तौर पे वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये सिमेंटिक मार्कअप का जो वर्ड है ना, ये आपने भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिमेंटिक मार्कअप्स जो हैं, एक मैं आपको जस्ट एक छोटी सी बात बताऊँ फिर हम ख़त्म करते हैं कि एक तो HTML का कोड लिखते हैं ना, तो उसकी कोई जॉब वॉब नहीं होती। सिर्फ HTML की कोई जॉब ऑब्वियसली नहीं होती, ठीक है। लेकिन एक HTML लिखने वाला बंदा होता है ना, उसकी जॉब होती है, और अच्छी खासी महंगी जॉब होती है। उसको हम कहते हैं एक्सेसिबिलिटी वाला बंदा, ठीक है। वो HTML के पेज में एक्सेसिबिलिटी ऐड करता है। अच्छा, वो एक्सेसिबिलिटी कैसे ऐड करता है? वो इन्हीं चीज़ों से करता है। उसमें वो सारे सिमेंटिक मार्कअप्स जहाँ जहाँ लगने होते हैं ना, वो उसको प्रॉपर लगा के ना पूरा कड़क कर देता है, और उसको फिर ज़ाहिर है वो टेस्ट भी करता है। उसके पास वो टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो जो विजुअली इम्पेयर्ड वाले होते हैं ना, वो एक मशीन पे उसने किया होता है, उसको चला के भी देखता है कि अच्छा जी, ये बोल के कहीं पे मसला तो नहीं कर रहा है बोलने में, ये कहीं पे अटक तो नहीं रहा, कहीं पे एक्स्ट्रा कोई फुल स्टॉप तो नहीं लग गया जिसकी वजह से वो सेंटेंस सही बोल नहीं पा रहा। तो उन चीज़ों को सेट करके बिल्कुल अच्छा। फिर एक विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, एक डेफ्स होते हैं, ठीक है। तो वो डेफ उसको कैसे, मिसाल के तौर पर कोई पिक्चर है या कोई वीडियो है, उस पर क्लिक करने से आवाज़ आती है, तो वो डेफ उसको कैसे परसीव करेगा? तो वो उन चीज़ों को लेके ना वो एक्सेसिबिलिटी सारी कंप्लीट करता है उसकी। क्योंकि कुछ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं कि अच्छा जी, यूरोप के अंदर एक वेबसाइट अगर है और वो गवर्नमेंट लेवल की वेबसाइट है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट हमारे यहाँ जो 20 करोड़ आवाम है सबके लिए होनी चाहिए। उनके यहाँ भी होगी कोई 15-20 करोड़, जो भी होगी, तो उन सब लोगों के लिए, उनमें तमाम किस्म के लोग मौजूद हैं, जो माजूर हैं वो भी मौजूद हैं, जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो सब तमाम लोग उसमें मौजूद हैं। तो उन तमाम लोगों के लिए उस वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाना, कि कोई बंदा ऐसा ना हो कि अच्छा जी, मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं तो उस वेबसाइट को इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उन लोगों के लिए उसको वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने जो होता है ना, उसको हम कहते हैं ये एक्सेसिबिलिटी वाला बंदा है। वो हाईली पेड होता है, इवन दो कि वो डेवलपर और डिज़ाइनर दोनों से ज़्यादा पैसे लेता है, लेकिन वो काम बहुत ही मुश्किल है। हम यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस ये सिमेंटिक टैग जो मैंने जिक्र कर दिया यहीं तक रखेंगे। लेकिन जस्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये सिमेंटिक टैग की बड़ी वैल्यू है। अगर आप अच्छे से, आपको ये लगाना आ गया ना सिर्फ, जो कि बड़े टाइम लगता है इसको आने में, और इसके बाकायदा अलग कोर्सेज हैं डेडिकेटेड कि इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है एक्सेसिबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए। तो अगर ये सिर्फ एक्सेसिबिलिटी वाला कोई बंदा है ना, तो वो डिज़ाइनर और डेवलपर दोनों से ज़्यादा चार्ज करता है पैसे, ठीक है। तो यहीं पे इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं, आज की क्लास को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इसकी समरी है छोटी सी, ये हम पढ़ लेते हैं कि जी, HTML एलिमेंट्स आर यूज टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द पेज। कि HTML के जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, पेज का स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि अच्छा क्या होगा जी, हेडिंग होगी, सब हेडिंग होगी, पैराग्राफ्स होगी। दे ऑल्सो प्रोवाइड सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन, कि HTML के कुछ टैग्स वो भी होते हैं जो सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, वेयर द एम्फेसाइज शुड बी प्लेस्ड, कि एक जुमले में एम्फेसाइज कौन सी जगह पे करना है, या द डेफिनेशन ऑफ एनी एक्रोनियम, कि जी अच्छा कोई एक्रोनियम है तो उसकी डेफिनेशन क्या है, ब्राउज़र को ये बताना है हमें, या व्हेन अ गिवन टेक्स्ट इज अ कोटेशन, कि कोई टेक्स्ट अगर लिखा है हमने और वो कोटेशन है तो वो उसको बताना है हमें कि अच्छा जी ये कोटेशन कहीं और से उठाई गई है। तो ये सारी सिमेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं।